Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the President and CEO of MB Group of the company. आज का जो हमारे तमाम सुनने वाले और जो हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारी एक वीडियो जो है वो बहुत हमारे डिजिटल मीडिया के एक बड़ी पॉपुलर हुई है कि जो सुबह के लोग जो बड़ी काहली से उठते हैं और बड़ी मुश्किल से जो है वो अपने आप को जो है वो चेयर अप करते हैं, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, लोगों ने इन्जॉय किया है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग इस चीज़ को उन्होंने पसंद किया है और हम चाहेंगे हमारे तमाम सुनने वाले जो जो वीडियो ये देख रहे हैं वो अपने क्रिटिक ज़रूर शेयर करें। अच्छी बातें तो आप शेयर ही कर लेंगे लेकिन मैं अपने क्रिटिक ज़रूर देखना चाहूँगा। और आपको आज का जो टॉपिक हमारा वो है कि जो मैंने अपने तमाम जो हमारे कुलीग्स हैं, जो हमारे साथ एसोसिएट लोग हैं, कि आज का टॉपिक हमारा बड़ा ज़बरदस्त वो टॉपिक है, बीइंग अ कॉन्फिडेंस, राइट। तो एक ज़िंदगी में अगर आपको बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है आपको, तो सबसे मुश्किल काम जो भी मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि ऑफ द टॉपिक जाके एक बोलना है, तो इसका मतलब है कि मुझे पहले ख़ुद कॉन्फिडेंस होना है अपने ऊपर कि मैं बोल क्या रहा हूँ, मैं कह क्या रहा हूँ, इसका पर्पस क्या है। इससे हमारे यंग जनरेशन को या हमारे कुलीग्स को कोई बेनिफिट भी होगा या नहीं होगा। देखिए, अगर आप चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ, चाहे आप अच्छा खाना पका रहे हैं, चाहे आप बेगम की खिदमत कर रहे हैं, चाहे आप अम्मा की खिदमत कर रहे हैं जो कि आप नहीं करते लेकिन लेट्स सपोज आप करते हैं, तो अगर आप वो कर रहे हैं, तो चाहे कोई भी दुनिया में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसके पीछे आपका फर्मनेस नहीं है तो कोई काम भी प्रॉपर एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, उस काम की कोई भी वैल्यू क्रिएट नहीं हो सकती है। मैं हमेशा अपने तमाम, मिसाल के तौर पर आज मैं आपको चाहूँगा कि थोड़ा सा अपनी जॉब से हटके मैं आपको थोड़ा सा जनरल डिस्कशन में आपसे शेयर करूँ कि अगर फ़र्ज़ किया कि आप कहते हैं कि आज मैंने अपनी सुबह का आगाज़ किया और मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे चंद नए टास्क करने, कॉन्फिडेंस की आपको ज़रूरत कहाँ होती है लाइफ में? आपको कॉन्फिडेंस ज़रूरत जो होती है वो आपको ये ज़रूरत होती है कि जब आप कोई नई चीज़ आप स्टार्ट करने जाते हैं, जब आप नई चीज़ स्टार्ट करने जाते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको चैलेंज आते हैं और आप ये समझते हैं कि अगर ये काम मैंने चैलेंज कैसे अचीव करूंगा जो ये काम मैंने कभी किया ही नहीं है, अब वहीं पर आपके पास एक डिप्रेशन तारी होता है। मिसाल के तौर पर ये जो स्टेप मैं आपके सामने आज अपने कुलीग्स के साथ ले रहा हूँ या ले रहा हूँ, आई नेवर डन इट, राइट, सो नाउ मेरे लिए एक चैलेंज है ये कि हाउ टू गेट कॉन्फिडेंस, कि मैं इसको कैसे बेहतर अंदाज से आप लोगों को शेयर कर सकूँ। यही वो अमल है जो आपको ऊपर लेके जाता है, यही वो चीज़ है जो आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? लेकिन इसके लिए सबसे पहला, कॉन्फिडेंस के लिए अगर आप 5 पॉइंट अपने पास डिसाइड कर लें तो आपकी लाइफ के अंदर इंटायरली चेंज हो जाएगी। कोई भी काम करना शुरू से पहले अपना एजेंडा तैयार कर लें। अगर आपने अपना एजेंडा तैयार कर लिया है कि मुझे ये काम इस वक्त अंजाम देना है, तो अगर आपने एजेंडा तैयार कर लिया तो पहला स्टेप आपके पास पूरा हो गया। नंबर टू, दूसरा सेकंड पॉइंट ये है कि आपको उसके अंदर जो है नंबर टू, उसके साथ उस एजेंडे के साथ कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप अकेले जुड़े हुए हैं या आपके साथ आपके कुलीग जुड़े हुए हैं या आपके साथ उसकी फैमिली जुड़ी हुई, डजंट मैटर कोई भी जुड़े, तो क्या आप उनको अपने साथ लेके चल रहे हैं नहीं चल रहे, नंबर दूसरा पॉइंट है। नंबर तीसरा पॉइंट कॉन्फिडेंस में ये है कि आप कॉन्फिडेंस के लिए, कॉन्फिडेंस होता क्या है? कॉन्फिडेंस ये नहीं है कि जोर से बोल देना या क्या नाम है किसी पे चीख देना या किसी को डांट देना, इज़ नॉट अ कॉन्फिडेंस। ये तो बदमाशी है कि आप जो है वो आप समझ जाएंगे मैं ज़ोर से बोलूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, मैं जो हूँ वो किसी को शट अप करके बिठा दूंगा तो उसके बाद मैंने गुस्सा कर लिया तो ये मेरा कॉन्फिडेंस बेहतर है। कॉन्फिडेंस ये नहीं है। कॉन्फिडेंस ये है आपका कि जो वर्क आप परफॉर्म करने जा रहे हैं उस परफॉर्मिंग ऑफ द वर्क के अंदर कितने लोगों को अपने साथ आप जोड़ रहे हैं, कितने लोगों को उसके साथ इंगेज कर रहे हैं, क्या वो लोग आपके साथ इंगेज हो गए हैं? अगर वो लोग आपके साथ इंगेज हो गए हैं इसका मतलब है कि यू हैव अ राइट डायरेक्शन, आप एक बेहतरीन डायरेक्शन की तरफ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लाइफ में जब भी आप कोई काम परफॉर्म करते हैं तो हमेशा हर इंसान की जिबिली फितरत है, ये बता दूं आपको मैं, हर इंसान, ये कोई नहीं कहे कि ऐसा नहीं है, हर इंसान जो है वो अपनी तारीफ चाहता है। लेकिन आप देख लें, आप माशाल्लाह से चाहे वो आपका किसी भी रीजन तारीफ हो, किसी भी बाइबल को पढ़ लें, कुरान को पढ़ लें, अल्लाह भी अपनी तारीफ चाहता है, तो अल्लाह को तारीफ की जरूरत तो कोई नहीं है, लेकिन वो भी अपनी जगह सेल्फिश है कि वो भी कहता है कि मेरी तारीफ करो, मुझे 5 दफ़ा मेरी नमाजें पढ़ो, ये करो। तो इसका मतलब हर, जब ऊपर वाले का ये हाल है तो सोचो हमारा हाल क्या होगा,
चाहे वो किसी छोटी कुर्सी पर बैठा हो, चाहे वो बड़ी कुर्सी पर बैठा हो, हर आदमी चाहता है कि उसको उसको एक्नॉलेज किया जाए, उसको उसको जो है वो रिकग्नाइज किया जाए। अगर आपने लाइफ के अंदर लोगों को एक्नॉलेज करना और अपने को एक्नॉलेज कराने की अगर आप पे सलाहियत आपके पास आ गई है, तो इसका मतलब है कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर क्रिएट हो गया है और यही कॉन्फिडेंस आपको कोई काम भी आगे करा सकता है। देखिए ज़िंदगी के अंदर अगर आपको कोई भी कॉन्फिडेंस के अंदर अगर कोई भी काम, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो एक केमिस्ट है, मेरा ताल्लुक बैकग्राउंड से एज एवरीबडी नोज कि मैं आई एम द बींग अ केमिस्ट, मैंने ज़िंदगी में केमिस्ट्री पढ़ी है, मैंने इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा है, मैं आईटी के डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, ना मैं अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, ना मैं डिजिटल मीडिया डिपार्टमेंट का बंदा हूँ, ना मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, ना मैं ऑडिट का बंदा हूँ, मैं आप सेक्टर्स के नाम ले लें, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है और डेडिकेशन आपके पास है, मुझसे लोग सवाल पूछते हैं, बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि हमने जो है वो मास्टर फिलोसफी में किया हुआ है तो हम आपकी कंपनी में कैसे सेट हो गए, हमने जो है मास्टर जो है वो साइंस में क्यों कैसे हो, तो मुझे बाद हंसी आती है, उसको मैं एक ही जवाब देता हूँ, जाहिर दिल खोल के कैसे बता दूंगा उसको मैं एक ही जवाब देता हूँ कि लाइफ के अंदर अगर आपको अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस पर आपका नॉलेज आपने कोई भी हासिल कर ली, लेकिन अब आप जो मर्जी चाहे आप अचीव कर सकते हैं, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि अपने आप को आप कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, ये जो आपका तरीक़ेकार है, ये आपको बहुत ऊपर लेके चले जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको टिप लाइफ में इंजॉय करेंगे। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन वंस अगेन मनसुख अकबर।